नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। डीएम के नाम लाउडस्पीकर के खिलाफ लिखा एक पत्र अब संगम नगरी प्रयागराज के साथ ही फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिले में रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि अब खुद आईजी प्रयागराज ने आदेश लिखकर पत्र भेज दिया है। बता दें कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को पत्र लिख सुबह सवेरे 5:30 पर मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर लगाकर दी जाने वाली अजान से नींद में खलल होने के कारण सिर दर्द और काम में हो रही दिक्कत को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था, जिसकी एक कॉपी उन्होंने कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेज दी थी। और अब क्लाइव रोड की मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों के हटने के बाद आईजी प्रयागराज ने पत्र लिख इससे भी बड़ी कार्रवाई करने के आदेश अब मंडल के 4 जिलों के डीएम और एसएसपी को दे दिए हैं। आदेश में कहा गया कि पॉल्यूशन एक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन हो और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउडस्पीकर से अजान सुनाना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है, लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और ये जीवन के मूल अधिकार में शामिल है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले के मद्देनज़र आईजी ने पत्र लिख मंडल के डीएम और एसएसपी को आदेश दिया कि बगैर अनुमति के कोई भी किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम या माइक से तेज़ आवाज़ में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई अनाउंसमेंट ना करे और इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। इस आदेश के बाद अब धर्म के नाम पर लोगों की नींद उड़ाने वाले लोगों ने अगर रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लाउडस्पीकर लगाकर शोर मचाया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस आदेश को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।